सारे नूं मैं उम्मीद करती थी सारे जने बहुत 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 वधिया होवोगे। तो अज हैगे थोड़े साडे होर काम जिवें कि मैं जाना वा जॉब दा पता करन एंड रोहन दी भी जॉब दा इंटरव्यू। अज किवें हो, रेडी हो इंटरव्यू ली? ग्रोसरी लैण जाना सीगा बट सानू टाइम नहीं मिलिया इसलिए आपां गुरुद्वारे तो लंगर खाए ते ग्रोसरी लैके नहीं आए। सो हुण साडे कोल ग्रोसरी तां है नहीं बट मैगी हैगी है, प्याज हैगा वा ते आलू हैगे है। सो आलू प्याज पा के आपां मैगी बनावांगे। ठीक है रूह, खा लोगे मैगी? ग्रोसरी भी ले आवांगे फिर बनावांगे नवीं नवीं सब्जियां नाल रोटी। इत्थे मैनू हजे फिलहाल अचार नहीं किथे लभ रहा, मैं अचार दी बहुत ज्यादा मैनू तलब लगी हुई है कि अचार मिल जावे बट अचार हजे मिल नहीं रहा। मिल रहा पर पता नहीं किदां दे अजीब अजीब जे अचार मिल रहे, देखदे आं अज दा दिन किवें निकलदा है। फिलहाल मैं प्याज ते आलू कट लैनी आ। बाय, ऑल द बेस्ट। रोहन का फोन चार्ज नहीं है और वो जॉब के लिए निकल गए। सो अभी मेरे को कॉल आया था कि पावर बैंक दे जा बेचारे। सो हियर इज द पावर बैंक एंड केबल। व्लॉग मेरा जो फोन लग गया उसे चार्जिंग मैंने नहीं हटाया। बाय, टेक केयर गाइज। मैं तो अभी तक नहा ही नहीं हूँ, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ फिर मैंने भी अपना थोड़ा जॉब वगैरह सर्च करनी है एंड एक दो और काम है वो भी फटाफट से कर लेंगे आज। नहा के हम निकल चुके हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हो वन और कौन कौन है भाई? देखो रुको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड 6.5। ओके सो गाइज अभी हम जा रहे हैं लंगर खाने और रोहन गए हुए हैं कब से अपनी जॉब के लिए, उनको बस नहीं मिली, अब एक घंटे से ऊपर हो ही गया। हमने उनको कॉल करके बोला है कि आप रीशेड्यूल करवा लो और वापस आ जाओ, लंगर खा के फिर निकल जाना शाम को। एक वाटर बॉटल लेके आई हूँ क्योंकि बैग मेरा रोहन ले जा चुके हैं, लड़कियों वाला बैग लेके गए। आज सारे हले अनएम्प्लॉयड ने, किसी ने जॉब नहीं मिली ना मेनू मिली है। सो पता के पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब। लंगर खा लिया असी पेट भर के सब ने, ते रोहन भी लंगर खाने लई पहुंच गए सी बिकॉज़ उन्हां नूं बस ता मिली नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा सीगा की सिस्टम सी, क्यों नहीं गए जॉब ते। ओ यार पहला ता मैनूं कहंदे सेंट्रल स्टेशन जाओ, उत्थे गया बहुत दूर सी ओ भी। मतलब धक्के खा के आए हो तुसी जॉब ते नहीं गए राइट? एक्चुअली जेड़ा बस स्टेशन जिने बस लेके आनी सी ना इधर भाजी, वो पीआरटीसी दा ड्राइवर सी ता करके अगला टाइम से नहीं आया। ओके सो इन्हां नूं कोई मतलब समझ नहीं आया बस ते ट्रेन दा सिस्टम किधरों मेट्रो या किधर जाना वा, बिकॉज़ जिथे इन्हां ने इंटरव्यू देन जाना सीगा वो हैगा थोड़ा जिहा दूर ते पैदल जा नहीं सकदे सी, बहुत टाइम लग जाना सीगा। सो फटाफट जदों इन्हां नूं पता लग्गिया कि नहीं ओह पॉसिबल नहीं हो पा रहा, फटाफट पहुंच गए गुरुद्वारे। इन्हां ने भी लंगर खाधा हुण साडे नाल, मैं भी हुणे जाऊंगी जॉब वगैरह सर्च करन। वापिस घरां नूं आ चुके हैं, बाकी सारे जने बह गए हैं बाहर ग्रास दे उत्ते ते मैनूं आ समान दे के अंदर भेजता है बैग वगैरह कि बैग वगैरह रखिया वा समान अंदर रखिया वा। आपां भी हुण थोड़ी देर बाहर बैठांगे। वाह बढ़िया जॉबां लगियां होईयां ने, चिल कर रहे हो सारे जने? बस यार पौंड कमा के आए सी, बह गए आके 200 पौंड पा लिया अज तां बहुत है। वाह वाह वाह, मैनूं तां लगा 5 पौंड नहीं कमाए होणे हुण तक। मैनू कहिंदे 25 पाउंड लगदे आ घरे, मैनू पता की कहिंदे कि मैं कटिंग करा के एक दिन पहले कटिंग करा के आए है कि उत्थे जाके ना 25 पाउंड लगदे आ कटिंग दे, कि एवें पैसे वेस्ट क्यों करने ते कटिंग देखो की करा के आए है, झट्ट हुणी खिल रहा होया। अच्छा इत्थे आके अचानक ही वध गए बाल,
ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਵਾ 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 ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵਾ ਯਾਰ ਯੂ ਸ਼ਟ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਮਸਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੌਬ ਦੀ ਬਸ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਊਗੇ ਵੈਸੇ 23rd ਦੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ 23rd ਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਯਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੀ ਸੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਵੀਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਟਿਫਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਪੋਟੀ ਆਈ ਹੈ ਓਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ 3 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਦਾਰ ਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗਾਈਸ ਇਨਕਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अच्छी इंग्लिश भी बोल रहे हैं काम बन जाएगा पॉजिटिव रिस्पांस है बेबी व्हाट आर यू डूइंग बैग दे उठे 10 रुपए लग दे क्या बात क्या बात जो पिछला ग्रोसरी का लिस्ट है ना मैं शाम को रख लूंगा नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे चलो बढ़िया चलो लेट्स गो जो ऑर्बिट पे 10 रुपए बचा ले कुड़ी ने जो गलत काम हुंदा मेरे पल्ले पैंदा जो सही है ओ रोहन दे आही हुंदा मेरा गरीब मार हुंदी रहिंदी है हुण असीं जा रहे हैं ग्रोसरी ली है नहीं कुछ खाण नूं ਲਿਆਣਾ ਪੈਣਾ ਵੈ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਵਿਊ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੌਬ ਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਚਿਕਨ ਲੈਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਹਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੈਡੀਨਾ ਫੂਡ ਸਟੋਰ यहाँ पे हर तरह की सब्जी पड़ी है जैसे कि आप देख सकते हो बंद गोभी घिया बैंगन खीरा आलू प्याज एवरीथिंग मेड बाय मीरू यार बहुत स्वाद बने खाया तो है नहीं अले शिवानी इंडिया वाली गलबात नहीं है पर सही है इंडिया वाली गलबात आनी भी नहीं है बेब कोई जॉब तो हमने सर्च की नहीं करनी थी बट कर नहीं पाए कल हो नहीं सकती क्योंकि सैटरडे है परसों संडे है सो मंडे को ही सारा जो भी है देखेंगे क्या जॉब मिलती भी है या नहीं मिलती है फिलहाल हम घर जा रहे हैं और वेदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे सो गाइस आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बादल और बहुत ज़्यादा ठंडी तेज़ हवाएं चल रही हैं इस टाइम जैकेट पहनी हुई है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लग रहा है मुझे रू किवें लगी गड्डी अपने दोनों वाली माचिस दी डब्बी है गड्डी दे नाम ते माचिस दी डब्बी सीरियसली वैसे रोहन ते मेरे लिए सही है ना रू नहीं यार एक और ही वड्डी लवांगे टेंशन का दी है बहुत टेंशन है हले तो जॉब लभनी है गाइस टाइम देखो तुसी 9:15 हो रहे है ते बाहर ओ देखो धूप तू देख सकते हो ਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਰਾਤ ਦੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਵਾ ਮਤਲਬ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜੂਗੀ ਬਟ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਸਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਟ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੋਹਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਲੱਭਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਲੱਭਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋਬ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਆਏ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈਏ ਘੁੰਮ ਲਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੋਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ
ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਿਕਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਗਰੋਸਰੀ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਪਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਸ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਲਵ ਯੂ ਆਲ We'll be right back.